हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कलिक अवतार किसका वध करके कलयुग का अंत करेंगे। सनातन धर्म में आदि पंच देवों के साथ ही त्रिदेवों का वर्णन है। वहीं त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु व शिव शामिल हैं, जिनके कार्य आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इस ब्रह्मा जहां सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु संसार का पालक और भगवान शिव सहाण के देवताएं माने गए हैं। तो दोस्तों, जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात की प्रमाण हैं। दोस्तों, शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कलिक अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कलिक अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहाँ क्या होगा। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्री मद भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कलिक अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कलिक जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कलिक अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घोड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कलिक पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में कलिक अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कलिक अवतार कब और कहां होगा और उनके पिता कौन होंगे। अर्थात संभलग्राम में विष्णु यश नामक सुरश्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदूत नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कलिक अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमत, कवि और प्राग के नाम से जाने जाएंगे। यज्ञवाल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। दोस्तों, भगवान श्री कलिक को की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णु रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और ब्लाहक। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए माना जाता है कि अभी इस अवतार के होने में काफ़ी समय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग दोस्तों 43,000 दोस्तों अभी से ही कलिक पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि ये अभी से नहीं, करीब 125 साल से उनकी पूजा जारी है। कलिक पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कलिक रूप में अवतार लेंगे। कलिक अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होंगे। शास्त्रों के अनुसार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का कलिक अवतार होगा। यही कारण है कि इस तिथि को कल्कि जयंती उत्सव रूप में मनाया जाता है।
कलिक अवतार के जन्म समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाभाविक नक्षत्र में गोचर करेगा, गुरु स्वरूपी धनु में और शनि अपने उच्च राशि में तुला में विराजमान होगा, वहाँ जल क्रिया के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कलिक भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। कलिक भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कलिक जी ने मुनियों से मिलकर सूर्य वंश का और भगवान राम का चरचित्र वर्णन किया। बाद में शशि ध्वज का कलिक से ये युद्ध और उन्हें अपने घर जाने का वर्णन है। वहां वो अपनी प्राण प्रिय पुत्री रमा का विवाह कलिक भगवान से करते हैं। उसके बाद उसमें नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषायक प्रसंग, रुक्मणी वृत्त का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह सुखदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और समरिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भागवती गंगा स्वाता का भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।